नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण खबरों से। देश को महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों को अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिस पर अब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आज देहरादून के घंटाघर पर दो व्यक्ति घूमते मिले, जिनको पुलिस ने वहीं पर उठक बैठक लगवा कर आगे से रोड पर ना निकलने की नसीहत दी, तब उनको आगे जाने दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए किसी को असुविधा न हो इसके लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1070। वरिष्ठ नागरिक, बीमार, गर्भवती महिलाओं व रोजमर्रा के कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों की सूची के अनुसार फूड पैकेट तैयार करने की ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए 1070 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वरिष्ठ नागरिकों, बीमार, गर्भवती महिलाओं व जीविकोपार्जन में लगे व्यक्तियों को इस नंबर पर फोन करके सुविधाएं दी जा सकेंगी। सीएम रावत ने अपने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी। दूसरे ट्वीट में सीएम ने सभी से अपील की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी की बात करते हुए दी जानकारी। 21 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान दुग्ध उत्पादन, कृषि से संबंधित उत्पादों, पशु आहार, डीजल, पेट्रोल, LPG को आवश्यक वस्तुओं में किया शामिल। सभी राज्य इस वक्त अपने अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रदेश की आम को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी सरकार अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रही है। राज्य की स्थिति को और सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार के लिए एक बड़ी चिंता उत्तराखंड में ही वह विद्यार्थी हैं जो अपने घर से दूर कॉलेजों में रह रहे थे और लॉकडाउन होने की वजह से वो अपने घर जाने में असमर्थ हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत दसमाना का कहना है कि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उनको फोन करके यह सूचना दी है। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन का आज छठा दिन है। मेरा मन बड़ा विचलित है क्योंकि मैं 14 दिन के क्वारंटाइन में हूँ और ये 12वां दिन है, लेकिन पिछले एक दो दिनों से लगातार देहरादून में पर्वतीय जनपदों के अलग अलग क्षेत्रों से जो विद्यार्थी यहाँ DAV कॉलेज में, DVS कॉलेज में, अन्य महाविद्यालयों में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं, वो बड़ी परेशानी में हैं। उनके अपने घर पहुँचने के संकट के अलावा यहाँ पर रहते हुए भोजन की व्यवस्था, उनके अन्य जो परेशानियाँ हैं उनके लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारी यहाँ पर छात्राएं हैं जो वापस अपने घर जाना चाहती हैं, बहुत से दूर दराज के विद्यार्थी हैं जो पहाड़ी जनपदों के हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनके घर वाले चिंतित हैं, उनके पास भोजन का पर्याप्त यहाँ पर सामान नहीं है, उनके पास पैसा भी ख़त्म हो रहा है। उन लोगों के लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मैंने आज देहरादून के जिलाधिकारी से सुबह इस विषय में बातचीत करी थी और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी देहरादून में रहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के, उनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, उनके भोजन का इंतज़ाम किया जाए। और जो छात्राएं हैं, अगर वो अपने घर वापस जाना चाहती हैं तो कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे उन छात्राओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने में हम लोग सहायता करें। मैंने आज अपने ट्रस्ट की तरफ से भी जिलाधिकारी देहरादून को ये प्रस्ताव दिया है कि यहाँ पर जो DAV कॉलेज के आसपास, EC रोड के आसपास, करणपुर के आसपास जो विद्यार्थी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले यहाँ पर किराए के कमरों में रहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था हम अपने ट्रस्ट से करना चाहते हैं। मैंने उनको प्रस्ताव दिया है, अगर शासन प्रशासन उस प्रस्ताव पर विचार करे और उसको स्वीकार करे तो 2 दिन में मेरा क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हम अपने ट्रस्ट की ओर से भोजन की करें। पूरे देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी देहरादून की सब्जी मंडी में सुबह 7 से 10 बजे तक काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है।
इससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस संक्रमण होने की संभावना रहती है। सब्जी मंडी निरंजनपुर देहरादून की बात करें तो कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। ओवर रेटिंग पर सब्जियां बेची जा रही हैं, जिस पर मंडी समिति के सचिव विजयपाल थपलियाल ने कहा कि इस तरह की शिकायतें हमें मिली जिनका हम संज्ञान ले रहे हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सके तो उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। देखिए, ऐसी शिकायतें हमें भी मिली है कि कई लोगों के मुझे फ़ोन भी आए हैं और बताया गया मुझे कि दूरभाष पर कई लोगों द्वारा, जो ग्रुप में जिलाधिकारी द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को चेक करा जाए जिनके द्वारा ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैंने स्वयं खुद भी गया, मौके पे गया, मैं खुद भी ग्राहक बनकर गया, तो 1100-1200 रुपये का मुझे उस समय मिला था। अभी 1 घंटे के बाद हमारे डबराल जी मंडी इंस्पेक्टर हमारे साथ थे उस दौरान भी, और अभी आप भी चल सकते। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई है, हमारे कई ट्रक जो हैं सहारनपुर बॉर्डर पर फंसे पड़े हैं, हरियाणा बॉर्डर पर फंसे पड़े हैं और पंजाब में कर्फ्यू लगे हैं, जलगांव से ट्रांसपोर्टर नहीं मिल रहा है, उस वजह से भी रेट थोड़ा बहुत हाइक हो रखे हैं। एक जो ट्रांसपोर्टेशन उनका खर्चा काफ़ी आ रहा है, इस वजह से भी हो रखा है। लेकिन अगर ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा का कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई व्यापारी अगर निश्चित उस भाव से बहुत ज़्यादा करा, तो हम उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, उसका हम लाइसेंस भी सस्पेंड कर देंगे, दुकान आवंटन भी निरस्त करेंगे। लेकिन इस समय परिस्थितियाँ सभी लोग जानते हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, व्यापारियों से भी, आढ़तियों से भी, और भाई आम व्यक्ति को हम कैसे कितने सही तरीके से उसको हर वस्तु सुलभ करा सकते, जब महंगाई ना हो। और आम इस समय पूरा देश, मैं कहूँगा पूरा विश्व एक बड़े उससे जूझ रहा है, एक क्राइसिस है, एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हम सबको एक मानवता दिखानी चाहिए इस समय, और मैं सभी व्यापारियों से, सारी आम जनमानस से, आप पत्रकार बंधु से, सभी को अनुरोध करूंगा कि इस समय हम लोग को बहुत सेंसिटिव होकर हर चीज़ पे काम करना चाहिए, मेरा जो मानना है। और मैं, आप मुझे सूची उपलब्ध कराइए, मुझे से कुछ पत्रकार बंधु बता रहे थे कि वो उन्होंने खरीदे भी हैं, तो मैंने कहा उनसे सूची उपलब्ध करा के, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ आपसे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। जहाँ एक ओर पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसके लिए सभी देश अपने स्तर से इसकी रोकथाम में जुटे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे देश में एक प्रकार के कर्फ्यू की घोषणा 3 दिन पहले की थी, जिसको लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी इसको सख्ती से लागू किया। लॉकडाउन को देखते हुए जहां एक और बाजारों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के साथ झोपड़ियों में भी रहने वाले सड़क के किनारे बैठे भिखारियों को भोजन के लाले पड़ रहे हैं, जिसके लिए जैन मित्र मंडल संस्था के द्वारा सभी शहर के क्षेत्रों में ऐसे लोगों को भोजन, चाय, नाश्ता वितरित किया गया। संस्था के संयोजक सुनील जैन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सराहना करते हुए कहा, जिस प्रकार 7 से 10 बजे तक का समय के भीतर जनता भीड़ के रूप में उमड़ रही थी, और आज जिस प्रकार उन्होंने 7 से 1 बजे का समय देकर आढ़त बाजार को 2 बजे खोलने के आदेश जारी किए हैं, वह एक सराहनीय कदम है। हम लोग भी सरकार का इस कदम के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमारी संस्था पूरी निष्ठा के साथ गरीब जनता एवं भिखारियों को भोजन मुहैया कराती रहेगी। हाँ, मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस जो इस टाइम हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में फैला हुआ है, उत्तराखंड भी उससे बचा नहीं रहा। और जैसा कि आपने कहा अभी कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो असहाय लोग हैं और अपंग लोग हैं, उनके लिए भोजन की बहुत दिक्कत आ गई है। जो दिन प्रतिदिन खाने वाले अपने आप पहले भोजन के लिए साधन जुटाते हैं, उसके बाद फिर भोजन बनाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत आ गई है। जो बाहर से लोग आके यहाँ मजदूरी जारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत आ गई है। उसमें हमारी संस्था जो है जैन मित्र मंडल द्वारा कल से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, और अभी इसी समय हम लोग देहरादून नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बल्लीवाला चौक, कामनी रोड, उधर अपनी जितनी ये लोहा पीटने वाली बस्ती है उनमें, रिस्पना पुल, उधर सुदूर राजपुर रोड और दून हॉस्पिटल के आसपास सभी जगह हम बने बनाए भोजन के पैकेट लोगों को बांट के आए हैं, जिससे उन लोगों ने उन्हें कब लोग पहुंचेंगे, शाम की क्या व्यवस्था होगी, ये व्यवस्था हमारे निरंतर 14 तारीख को, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान को और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए हमारी संस्था जैन मित्र मंडल देहरादून इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा है वो हम इसमें लगातार कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है, हर कोई इससे बचने का उपाय ढूंढ रहा है और सावधानी बरत रहा है। वहीं सरकार द्वारा भी लगातार इससे सावधान और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है, लेकिन एक महकमा ऐसा भी है जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन बैंकों की जिन्होंने अपने एटीएम राम भरोसे छोड़ दिए हैं। बात यदि इन असुरक्षित एटीएमों की जाए तो न यहाँ पर गार्ड है, न ही सैनिटाइजर। हालांकि सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनल में बताया जा रहा है कि एटीएम का यूज करते समय खुद को सैनिटाइज करें, वहीं बैंकों की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि अपने एटीएम में गार्ड और सैनिटाइजर की व्यवस्था करें, लेकिन बैंकों द्वारा ऐसी कोई भी व्यवस्था एटीएम में नहीं की जा रही है,
जिससे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन सब के बीच में लोगों का कहना है कि बैंकों को अपनी जिम्मेदारी से देखना होगा कि एटीएम में गार्ड की व्यवस्था कैसे करें, जिससे एटीएम में आने वालों के हाथों को सैनिटाइज किया जा सके और उसके बाद ही एटीएम का यूज करने दिया जाए और लोग भी सुरक्षित रह पाएं। अब किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इतनी खतरनाक बीमारी फैल रही है। पीएनबी में ना गार्ड है, ना यहाँ सैनिटाइज की कोई उपलब्धता करी गई है, ना यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है कि गार्ड ये बताए कि कम से कम एक फुट की दूरी बनाए रखे। एक घुस रहा है, लोग पीछे पीछे घुसे चले आ रहे, मतलब सावधानी बरत ही नहीं रहे, हल्के में ले रहे हैं। अभी कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे एक सैनिटाइजर की बोतल होनी चाहिए, कोई ऐसा गार्ड होना चाहिए जो कम से कम एक फुट के जो स्पॉट्स बनाए गए इन पे लोगों को रोक के रखे। एक जाता है लोग तुरंत पीछे पीछे आ जाते हैं, बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी लोग हल्के में ले रहे, अभी देख नहीं रहे इटली में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है। वहाँ भी कुछ लोग थे हल्के में ले रहे थे, लेकिन देखो क्या हाल हो रखा है वहाँ पर। वो तो प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी हुई है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। अननेसेसरी लोग रोड पे निकल रहे हैं, जिसको सामान नहीं भी लेना है वो भी निकल रहा है। किस लिए निकल रहा है? पान खाना है, सिगरेट पीनी है। अरे यार घर में रहो, जितना हम लोग अपने आप को आइसोलेट रखेंगे अपने घरों में उतना सुरक्षित रहेंगे। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, सुरक्षित रहे जहाँ भी ना है, ऐसी कोई लापरवाही ना करे जिससे कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। राजधानी में आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के समय सोशल डिस्टेंस का पब्लिक द्वारा पालन न करने पर आज से पुलिस द्वारा नया तरीका अपनाया गया है। इस संबंध में शहर के क्षेत्राधिकारी शेखर सुयाल द्वारा बताया गया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए शहर में थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्य आपूर्ति के लिए दोपहर का समय 2 से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान मोहल्ले के दुकानदारों को पुलिस द्वारा एक पास भी जारी किया जाएगा, जो आढ़त बाजार जाकर राशन इत्यादि की खरीदारी कर सकेंगे। इस समय आम नागरिक वहां पर नहीं जाएंगे, आम नागरिकों को अपने मोहल्ले की दुकानों में ही जरूरत का सामान पूर्व में निर्धारित समय 7 से 10 बजे के बीच लेना पड़ेगा। इसका पालन कराने के लिए पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। चूंकि हम जो जो हमारे दिन बीतते जा रहे हैं, कोरोना वायरस को लेके अलर्टनेस ज़्यादा बढ़नी चाहिए, लोग ज़्यादा अवेयर हों, तो इसके लिए जो जैसे हमारे चौथी इंचार्ज भी प्रॉपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और जो जनरल गैदरिंग वाले प्लेस थे हनुमान चौक और आढ़त बाजार टाइप के, उसमें भी हमने आज थोड़ा एक डिसीजन लिया आढ़त बाजार के सारे व्यापारियों से, हनुमान चौक के सारे व्यापारियों से मिलके, कि वो दिन का जो 7 से 10 वाला स्लॉट है उसको बंद रखेंगे। क्योंकि उस स्लॉट में वहाँ नैरो स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी और जो सोशल डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। तो सबका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिसीजन लिया कि उसको हम बंद करेंगे, और कल से भी उन दो मार्केट में यही प्रोसेस चलना है। अब बात यह आती कि वो होलसेलर हैं आढ़त बाजार वाले, रिटेलर जो दूर दराज जिनकी दुकानें हैं, जो 7 से 10 में सामान बेच रहे हैं, उनको सप्लाई करने के लिए एक नई चीज़ हमने कल से शुरू करने जा रहे हैं। वो ये है कि जिन रिटेलर को सामान चाहिए होगा वो दिन में 2 बजे से 4 बजे आढ़त बाजार में आएंगे। आढ़त बाजार को हम उस समय एक प्रॉपर वे में खोलेंगे, वहाँ पर आम आदमी नहीं जा पाएगा, आम कस्टमर नहीं जाएगा, आम कस्टमर अपनी लोकल की जो शॉप है वहीं पर उसने अपना सामान खरीदना है। लेकिन जो रिटेलर जिसको सप्लाई करनी है, जिसको थोक मार्केट से माल खरीदना है, वो 2 से 4 बजे में आएगा और उसको हमारा थाना अध्यक्ष एक मोहर लगा के देगा कि हाँ ये वास्तव में मेरे यहाँ का दुकानदार है, उसको सामान मिलेगा और वो अगले दिन 7 से 10 वाले स्लॉट में बेचेगा। इसका मेन मकसद ये है कि सोशल डिस्टेंस, जो सारे लोग एक पर्टिकुलर स्लॉट में आके इकट्ठा हो रहे थे, अब वो नौबत मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है। वहीं जनता के लिए पुलिस की टीम द्वारा शहर भर में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसकी कमान धारा चौकी इंचार्ज शिशुपाल राणा को सौंपी गई है। राणा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल से हर गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राणा ने बताया कि जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पुलिस द्वारा क्षेत्रवार एक टीम तैयार की गई है, इसलिए सभी नागरिकों से अपील भी की जा रही है कि घर पर ही रहें, कोई ज़रूरत हो तो पुलिस को फ़ोन करें, सामान आपके घर पहुँच जाएगा। थाना क्षेत्र है या चौकी क्षेत्र है, हमने पूरे अपने क्षेत्र में सभी पार्षदों से मिलकर मीटिंग करके और उन सभी को सूचित किया गया। मोहल्ले में जाकर लोगों को बार बार यही गुजारिश की जाए, कृपया घरों से बाहर न निकलें, किसी भी
बिना वजह बाहर ना निकले। अगर किसी भी आपको कोई ऐसी परेशानी होती है उसके लिए हमने जगह जगह अपने बीट कर्मचारी, हल्का प्रभारी, चौकी प्रभारी और थाना अध्यक्ष और सीओ साहब के भी सारे नंबर चस्पा किए गए हैं और हमारे पे कॉल भी आ रही है। किसी को भी किसी सामान की अगर आवश्यकता है, हमारे द्वारा एक होम डिलीवरी ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि स्थानीय पार्षदों को भी जोड़ा गया है। अगर पार्षदों के माध्यम से भी अपने मोहल्ले में बताया गया कि किसी को भी कोई सामान की जरूरत है वो संपर्क कर सकते हैं और हम स्थानीय दुकानदारों या मेडिकल स्टोर वालों से संपर्क करके घर घर उनकी सामान की आपूर्ति कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब सब्जी की जो मेन जो दिक्कत हो रही थी लोगों को, उसके लिए भी हमने ठेली वालों से संपर्क कर मोहल्ले वाइज ठेली वालों के लिए पास जारी कर रहे हैं और वो मोहल्ले में दिन भर घूम कर सब्जी आदि बेच सकते हैं। बढ़ते कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी और उत्तराखंड डीजी अशोक कुमार ने जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचने का सबसे आसान उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। उत्तराखंड में आज जरूरी सामग्री खरीदने का समय सुबह 7 से 1 बजे तक रखा गया था। यह इसलिए किया गया था ताकि दुकानों में भीड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो और लोगों को आराम से खरीदारी करने का समय मिल पाए। डीजीपी ने जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सावधानी पूर्वक पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता लॉकडाउन का पालन करे और अपने घरों में रहे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा। उत्तराखंड वासियों के लिए हर वक्त उत्तराखंड पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और पूरी आवाम को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। किसी को भी कोई परेशानी होती है तो संबंधित नंबर पर कॉल कर सकता है, समस्या का समाधान तत्काल किया जाएगा। यह नंबर है 01352722100 999-7954-800। प्यारे उत्तराखंड के वासियों, आज हमारे प्रांत के समक्ष, देश के और विश्व के समक्ष कोरोना महामारी की चुनौती है, जिसको देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है और आज उसका तीसरा दिन है। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग है, ताकि हम अपने अपने घरों में रहें और महामारी को फैलने से रोकें। हम आपको अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड पुलिस के हर जवान के सहित आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी हर प्रकार की सुविधा, खाद्य सामग्री, सब्जी, फल, दूध, इसको आपको मुहैया कराने के लिए हम आपको पूर्ण अवसर देंगे। आप परेशान ना हों, केवल सबका जीवन, अपना जीवन बचाने के लिए अपने घरों में रहें। हम उत्तराखंड शासन के साथ समस्त उत्तराखंड पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। कृपया हमारा सहयोग करें और सबके जीवन की रक्षा करें। आपकी किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हमने एक हेल्पलाइन बनाई है, जिसका नंबर है 01352722100। व्हाट्सएप नंबर है 999-7954-800। कृपया हमारा सहयोग करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में कोरोना की वजह से जो 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, उसका तीसरा दिन है। अभी तक जो देखने में आ रहा है कि बहुत सारी पैनिक बाइंग कर रहे हैं लोग, जो पीरियड में ओपन किया जा रहा है एसेंशियल सप्लाईज को, और बहुत सारा एक साथ 2 महीने का 3 महीने का राशन खरीद ले रहे हैं। ऐसा करने से जो इसका पर्पज है लॉकडाउन का, वो हम ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर हम बाकी 20 घंटे 22 घंटे अपने को घर में बंद रखें और 1 घंटा जा करके 100 लोगों से मिलाएं जा करके बिना किसी प्रिकॉशन के, तो हमारा सारा का सारा कोरोना का जो हराने का उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो अपने को घर के अंदर ही रखना चाहिए, बहुत ही इमरजेंसी में बाहर निकलना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो सप्लाईज हैं एसेंशियल चीज़ों की, फूड सामग्री है और बाकी दवाइयाँ वगैरह हैं, इसकी कभी भी ख़त्म नहीं होने दी जाएगी। इसका हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो इसको लेके पैनिक नहीं फैलाना है, ये हमेशा लोगों तक पहुँचते रहेंगे। तो उसके लिए एकदम भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समय जब मिले और पूरा सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, दूरी बनाते हुए, जो 2 मीटर की जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड है, 1 मीटर से 2 मीटर के बीच की, और अपने को सेफ रखते हुए, दूसरों को सेफ रखते हुए ही हम जो है बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। ये मैं
आप सबसे अपील करता हूँ, तभी जाकर के हमारे लॉकडाउन को जो है लॉकडाउन का असर होगा और लॉकडाउन सफल होगा। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लॉकडाउन से पीड़ित गरीब परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कोटद्वार क्षेत्र में अनिल बलूनी फाउंडेशन की ओर से खाद्य सामग्री संबंधित एक मोदी किट वितरित की जा रही है, जिससे 3 दिन का राशन उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी व कड़वे तेल की एक बोतल रखी गई है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता विपिन पैंथोला ने बताया कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि इस महामारी में उत्तराखंड का कोई भी परिवार भूखा न सोए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए और मुझसे जो भी अपने प्रदेश के लिए बन पड़ेगा मैं वह काम करूंगा। साथ ही सामाजिक संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि इस समय एक दूसरे की मदद करें। इस संकट की घड़ी में यह खाद्यान्न वितरण मोदी किट गरीब परिवारों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। देश के अंदर कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है, ऐसे समय में हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने सभी लोगों से कहा है कि अपने आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास अनाज नहीं है, उनको अनाज पहुंचाए। एक मोदी किट हम लोगों के द्वारा बनाई गई है अनिल बलूनी फाउंडेशन की ओर से, जिसमें उनके लिए चावल, आटा, तेल, मसाले, दाल जैसी चीज़ें उसके अंदर रखी गई हैं और हम इसको उन लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं कि जो भी लोग के पास राशन नहीं है। और ये हमारा अभियान जब तक जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन इस देश के अंदर से ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि कोरोना महामारी से अगर हमें लड़ना है तो हमें लॉकडाउन का साथ देना पड़ेगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन के बीच हल्दूचौड़ में शुक्रवार को नगर की कई गरीब बस्तियों में जाकर हल्दूचौड़ पुलिस ने खाद्य सामग्रियां वितरित की। हल्दूचौड़ चौकी प्रभारी जसबीर सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न दिहाड़ी मजदूरों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच जाकर खाद्य पदार्थ वितरित किया गया। मानवता ही सेवा, इसी को साक्ष्य मानते हुए उत्तराखंड पुलिस इन दिनों निस्वार्थ भाव से अपने इस क्रम में जुटी हुई है। गौरतलब है कि कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें बंद का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती भी देखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारी उन लोगों के लिए जरूरत का सामान भी बांट रही है जिन्हें बिना मजदूरी किए हुए एक दिन का खाना भी नहीं मिल पाता। चौकी पुलिस ने हल्दूचौड़, मोटा हल्दू, बेरी पड़ाव, नैनीताल, बरेली रोड आदि में रहने वाले गरीब लोगों को खाद्य पदार्थों का वितरण किया। इस मौके पर गरीब जरूरतमंद महिलाओं ने खाद्य सामग्री लेने के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए शुक्रिया अदा भी की। पुलिस वाले ने मेरे राशन पानी दे गए, केला दे गए खाने को, और कैसे ये मेरे को निरमा का पाउडर दे गए कपड़े धोने को, नहाने को। पुलिस के लिए हम उनको बहुत बहुत कोटी कोटी प्रणाम दूंगी, धन्यवाद, बहुत कोटी कोटी। अगले जन्म में बहुत बड़ा SP बन जाए, कलेक्टर बन जाए। ये लोगों को मैं हमेशा ही दुआ दूंगी, उनके परिवार वाले सुखी रहे, इनके परिवार में कोई आस ना आए। धन्यवाद, देखते रहिए ITV हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। इस महामारी के दौर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार अपील करना कि
कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमें उसका पालन करना चाहिए। हम मीडिया कर्मी आपके लिए मैदान में हैं और आपको पल पल की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन हमारा भी आपसे अनुरोध है कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।